वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा रॉयल एनफील्ड ट्रायल्स 350 और 500 सीसी के बारे में, जो कि कल ही मार्केट में एनफील्ड द्वारा लॉन्च किया गया। ये गाड़ी की दोस्तों बुकिंग्स जो है वो चालू हो चुकी हैं और ये गाड़ी जल्द से जल्द आपके नियर बाय शोरूम में अवेलेबल रहेगी। तो दोस्तों, आइए जानते हैं इसमें ऐसा क्या क्या चेंजेस इसमें किया गया है। तो चलिए दोस्तों, इसमें स्टार्ट करें इसके फ्रंट सेक्शन से। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, फ्रंट सेक्शन में आपको इसमें मिलेगा 280 mm का, आपको इसमें फ्रंट सेक्शन में मिलेगा डिस्क ब्रेक मिलेगा, और जो रियर सेक्शन में आपको मिलेगा 240 mm का रियर डिस्क ब्रेक मिलेगा विथ ड्यूअल चैनल ABS। तो ये हो गई दोस्तों ब्रेकिंग की बात। और अगर आप इसके सस्पेंशन की तरफ चलें तो फ्रंट में आपको मिलेगा टेलीस्कोपिक फॉर्क टाइप का सस्पेंशन आपको इसमें मिलेगा फ्रंट में, और रियर में आपको मिलेगा स्प्रिंग लोडेड हाइड्रोलिक टाइप ऑफ सस्पेंशन। तो ये हो गया सस्पेंशन की बात। और तो दोस्तों, अब इसमें और जानते हैं कुछ मैकेनिकली चेंजेस इसके अलावा किया गया है। तो हाँ, मैकेनिकली चेंजेस में अगर आप देखा जाए तो इसका जो चेसिस है, ट्रायल 350 का चेसिस है, आपको रेड कलर का देखने को इसमें मिलेगा, और जो ट्रायल्स 500 उसमें आपको ग्रीन कलर का चेसिस आपको इसमें मिलेगा। तो ये कुछ बेसिक स्पेसिफिकेशन हो गया चेसिस का। तो दोस्तों, इसमें आप जानते हैं और इसमें ऐसे क्या क्या चेंजेस किया गया है। तो दोस्तों, मैकेनिकली गाड़ी में किसी भी प्रकार का आपको चेंज देखने को नहीं मिलेगा। क्लासिक 500 सीसी का जो इंजन था वो आपको ट्रायल 500 में भी वही मिलेगा। क्लासिक 350 सीसी का जो इंजन था वो ट्रायल 350 में आपको मैं सेम मिलेगा। तो मैकेनिकली कोई भी चेंजेस इसमें नहीं किए गए हैं। हाँ, इंजन के सामने में एक इंजन गार्ड आपको इसमें देखने को मिलेगा 500 ट्रायल्स में और 350 ट्रायल्स में। तो ये कुछ बेसिक आपको डिस्क्रिप्शन दिया मैं इसके बारे में। तो अब दोस्तों, इसमें और जानते हैं इसमें और क्या चेंज है। तो जो दोनों की हेडलाइट है, ट्रायल 500 और ट्रायल 350 सीसी की जो हेडलाइट है उसमें आपको क्रोम फिनिश मिलेगी हेडलाइट, और एक उसमें हेडलाइट प्रोटेक्टर आपको ब्लैक रंग का देखने को मिलेगा, जो कि अगर आप ऑफ रोडिंग करेंगे, ऑफ रोडिंग करते समय जो पत्थर वगैरह है जिससे क्या है हेडलैम्प फट जाता है, फूट जाता है, तो उसको वो प्रोटेक्ट करेगा। वो एक जाली टाइप की रहेगी, वो आपको इसमें मिलेगी। और अब दोस्तों, इसके चलते हैं सिटिंग कंफर्ट के बारे में। सिटिंग अरेंजमेंट बिल्कुल सेम है, लेकिन सिर्फ दोस्तों एक चेंजेस है, रियर साइड में आपको इसमें सीट नहीं मिलेगा। रियर साइड में आपको मिलेगा एक कैरियर, और वहाँ पे आप अपना रखेंगे सामान, और सामान रखने के लिए आपको एक अलग से, जैसे आप लद्दाख टूर वगैरह करते थे तो उसमें आपको रियर का सीट हटाना पड़ता था या और कुछ अरेंजमेंट करना पड़ता था, वो आपको इसमें चेंज नहीं करना पड़ेगा। आपको इनबिल्ट कैरियर आपको इसमें मिलेगा, क्योंकि दोस्तों ये स्क्रैम्बलर टाइप की बाइक है, और जो लेह लद्दाख जाना चाह रहे हैं दोस्तों उनके लिए बिल्कुल परफेक्ट समय है इस गाड़ी को लेने का। अगर आप लेह लद्दाख प्लान कर रहे हैं, आपको ये बिल्कुल परफेक्ट गाड़ी है आपके लिए जाने के लिए। और दोस्तों, अब इसके साइलेंसर एग्जॉस्ट के बारे में बात करते हैं। जो इसका एग्जॉस्ट है वो आपको इसमें मिलेगा, रियर साइड का जो एग्जॉस्ट है अप स्वेप्ट टाइप का एग्जॉस्ट आपको इसमें मिलेगा, पीछे से एग्जॉस्ट उठा हुआ रहेगा 350 ट्रायल्स और 500 ट्रायल्स दोनों में। क्योंकि दोस्तों होता क्या था, अगर आप ऑफ रोडिंग बाइक चला रहे हैं तो उस कंडीशन में क्या होता था, अगर आप ऑफ रोडिंग कर रहे हैं तो जो ऑब्वियस ही बात है कि पानी के कांटेक्ट में आपकी बाइक आएगी, गाड़ी आएगी, तो उससे क्या हो जाता था, पानी घुस जाता था और साथ साथ इंजन में प्रॉब्लम आ जाता था, इंजन बंद हो जाता था और इस तरीके की कुछ प्रॉब्लम्स आती थी। ग्राउंड क्लियरेंस में भी इसमें काफ़ी काम किया गया है। ये प्योरली ऑफ रोडिंग बाइक है फ्रेंड्स। अगर आपको ऑफ रोडिंग करना है तो आप बिल्कुल इसको लीजिए, लेह लद्दाख या टूर में आप जाना चाहते हैं तो उसी के लिए ही बनी है ये बाइक। तो ग्राउंड क्लियरेंस भी इसका काफ़ी बढ़िया है और प्योरली ऑफ रोडिंग बाइक आपको ये है। और अगर इसके और इसके डिटेल में आपको मैं बताऊं तो आपको इसमें मिलेगा 12 वोल्ट का हेडलैम्प आपको इसमें मिलेगा, और जो ट्रायल्स 350 है उसका जो इंजन डिस्प्लेसमेंट है वो आपका रहेगा 349 सीसी का इंजन डिस्प्लेसमेंट रहेगा विथ सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड इंजन, और 350 सीसी का जो पावर आउटपुट रहेगा वो आपका रहेगा 20 BHP का और टॉर्क रहेगा 20 Nm का, और 5-स्पीड गियर बॉक्स के साथ क्लासिक 350 ट्रायल्स आपको मार्केट में अवेलेबल है।
और अब बात करते हैं 500 सीसी के बारे में। 500 सीसी में फ्रेंड्स आपको मिलेगा 499 सीसी का इंजन डिस्प्लेसमेंट विथ सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड इंजन, और 27 BHP का पावर मिलेगा, और उसी के आसपास 27 Nm का टॉर्क मिलेगा विथ 5-स्पीड गियर बॉक्स। और अब मेजर एक और चेंज आपको मैं बता दूँ, जो आपका पीछे साइड का फेंडर है, फेंडर को थोड़ा सा बढ़ाया गया है, रियर साइड का जो फेंडर रहता है उसको थोड़ा बढ़ाया गया है ताकि आप प्योरली ऑफ रोडिंग का मजा ले सकें। तो दोस्तों ये कुछ उसकी बेसिक स्पेसिफिकेशंस हैं ट्रायल्स 350 और 500 के बारे में। तो दोस्तों ये आपको जान के कैसा लगा, और आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके बताइएगा। ये कुछ दोस्तों बेसिक इन्फॉर्मेशंस हैं, गाड़ी की बुकिंग चालू हो चुकी है और गाड़ी डिलीवर भी हो जाएगी क्योंकि जून जुलाई से आपके लद्दाख टूर्स चालू हो जाएंगे। उसके पहले एनफील्ड ने पूरा प्लान बना लिया है कि इसको मार्केट में जल्द से जल्द लाया जाए, और ये आपकी स्क्रैम्बलर और ऑफ रोडिंग बाइक जो है आपको जल्दी से मार्केट में अवेलेबल हो जाए और आप ले लद्दाख का टूर का आनंद इस बाइक में ले सकें। तो ये दोस्तों कुछ हुई है बेसिक इन्फॉर्मेशंस इस गाड़ी के बारे में। तो दोस्तों ये कैसा लगा वीडियो आप ज़रूर मेरे को बताइए कमेंट बॉक्स में, आप जाके कमेंट करके बताइए। और दोस्तों फ्रेंड्स जैसे ही ये गाड़ी मार्केट में अवेलेबल रहेगी मैं ज़रूर इसका टेस्ट ड्राइव करूँगा, आपको रिव्यू दूंगा मैं इस गाड़ी का, और बेसिक स्पेसिफिकेशंस तो मैंने बताया है, और मैकेनिकली इसमें कोई चेंजेस आपको देखने को नहीं मिलेंगे। सिर्फ रियर सेक्शन में आपको एक कैरियर दिया गया है, और रियर सेक्शन का जो आपका साइलेंसर एग्जॉस्ट है उसको थोड़ा अप शेफ्ट अप किया गया है। तो ये कुछ दोस्तों बेसिक बेसिक स्पेसिफिकेशन में चेंजेस हैं। और जो चेसिस है 350 ट्रायल्स का, उसमें आपको एक रेड रंग का चेसिस आपको इसमें दिया गया है, और जो ट्रायल्स 500 उसमें आपको एक यूनिक नंबर मिलेगा क्योंकि स्क्रैम्बलर का आरी आरी का जो स्क्रैम्बलर था वो पहले भी लॉन्च हो चुका है, 60s 70s में आती थी, तो उस तरीके का लुक आपको इसमें देखने को मिलेगा। फ्रेंड्स अगर प्राइस की बात करें तो ट्रायल 350 का प्राइस है 1.62 लाख और ट्रायल 500 का प्राइस है 2.02 लाख। तो दोस्तों ये कैसा लगा वीडियो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके बताइए, और बने रहिए मेरे चैनल के साथ। और हाँ, लाल रंग का एक सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, ज़रूर उसको प्रेस कर दीजिए, और बाजू में घंटा है उसको ज़रूर दबाइए। और इसी तरह के रिलेटेड वीडियोस के लिए, बाइक्स एंड राइडिंग रिलेटेड वीडियोस के लिए आप बने रहिए मेरे चैनल के साथ। तो फ्रेंड्स मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।